प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा। संपर्क करें 9927087688। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, वहीं भारत देश भी कोरोना वायरस की चपेट से बचा नहीं है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और बचाने की अपील कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए 22 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन 25 मार्च 2020 रामनवमी के दिन सीएम योगी को बड़े धर्म संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 25 मार्च 2020 रामनवमी के दिन रामलला का स्थानांतरण समारोह एवं मेला प्रस्तावित है, जबकि अयोध्या सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने रामनवमी के मेले को स्थगित करने की अपील की है। तो उनसे मौखिक वार्ता की है कि सर ये इतना प्रचार हो रहा है इसका और भीड़ को अवॉइड किया जा रहा है, और जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया है कि जितने आयोजन है उनको बंद कर दिया जाए, आयोजन न किए जाए, तो उस संबंध में चूंकि ये धार्मिक मेला है इस संबंध में शासन से बात करके इसको भी रोकने का प्रयास किया जाए। कारण क्या है इसके पीछे? कारण भाई भीड़ को इकट्ठा नहीं होना है, जो इसके बचाव में है, कोरोना के बचाव में यही है कि आप हाथ मुख नाक को बार बार न छुएं, हाथ को हमेशा 2 घंटे पर छुएं, जिनसे भी आप वार्ता करें उनसे 1.5 मीटर की दूरी रहे, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और जब भी कोई छींकेगा खांसेगा वो मरीज है कि नहीं है ये तो आप नहीं जानते हैं, तो उसके ड्रॉपलेट मुश्किल से 0.5 मीटर से 1 मीटर की दूरी पे गिरते हैं, तो 1.5 मीटर की दूरी अगर मेंटेन आप करते हैं तो उसके ड्रॉपलेट से भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, जो मेलों में या किसी भी आयोजनों में संभव नहीं है, और उसमें कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड है इसकी भी आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। अच्छा, संत समाज की तरफ से एक बयान आया जिसमें ये कहा गया है कि क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है कितना भी रोकी रुकेगा नहीं, तो इसके उपाय करने चाहिए, जैसे कि मास्क उपलब्ध कराना चाहिए जो लोग आ रहे हों, तो इस तरीके की क्या सुविधाएं अपने पास है? नहीं, इतनी बड़ी भीड़ को मास्क उपलब्ध कराना तो संभव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिनको ये बीमारी है और जो उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं उन्हीं के लिए मास्क और ये सब प्रोविजन करने का प्रोविजन है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़भाड़ और एक दूसरे से हाथ मिलाने से बचे रहें, सामूहिक भीड़ में ना जाएं, कोरोना वायरस से सावधान रहें। वहीं श्री राम जन्मभूमि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य का बयान भले ही धर्म और आस्था से प्रेरित हो लेकिन मानव हित में नहीं है। देखिए, ये धार्मिक नगरी है और धर्म को छोड़ करके बहुत लोग ऐसी कठिन जगह है, बहुत ऐसे कठिन जगह हैं जहाँ पर लोग भय होते हुए, आतंकवादियों का भय होते हुए फिर भी वो लोग वहाँ जाते हैं और बाकी किसी भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। और ये अयोध्या है और प्रतिवर्ष लगभग 15-20 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, और भीड़ के लिए किस रूप से रोका जाएगा, क्या अयोध्या के बाहर रोका जाएगा, ऐसी नहीं है भीड़ रुकेगी नहीं, उसको जिस प्रकार से आते रहेंगे उसी प्रकार से आएंगे और दर्शन करेंगे और व्यवस्था करेंगे। जो उन्होंने लिखा है ठीक है, उसकी उसके संबंध में कुछ विचार किया जाए कि किस प्रकार से इस कोरोना जो वायरस होता है उससे रोका जाए और उसको उससे बचा जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन जो भीड़ आएगी उसको इस प्रकार से यहाँ 200 लाख के लोग आते हैं वहाँ पर ऐसी रोक संभव नहीं है, कुछ भले कम कर दिया जाए लेकिन रुकेंगे नहीं, वो दर्शनार्थी हैं, उनकी जो हमारी हिंदू भावना है। और इस वर्ष विशेष रूप से चूंकि रामनवमी की पहले ही रामलला नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसके दर्शन के लिए और नज़दीक से दर्शन होगा, इस भावना से लोगों की भीड़ बहुत अधिक होगी। तो जो उन्होंने लिखा है
अब तो हमारे जिलाधिकारी महोदय को विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको रोका जाए और किस प्रकार से उसको सुरक्षित किया जाए। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि भक्तों को रोकना मुमकिन नहीं है, शासन प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। 7 इंडिया न्यूज के लिए अयोध्या से अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट।